दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित सुभानपुर के नजदीक लाहौर से दिल्ली जा रही सदाई सरहद बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बस डोगरावाला के पास पहुंची तो बस के आगे जा रही एस्कॉर्ट गाड़ी आगे किसी कार के अचानक से ब्रेक लग जाने से संतुलन खोकर उस कार में जा टकराई, जिसके बाद बस ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा तथा एस्कॉर्ट गाड़ी में जा टकराया। गनीमत रही कि बस में सवार 18 यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है, लेकिन बस के पीछे आ रही सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी के बस में टकराने से उसमें सवार इंस्पेक्टर मनोज कुमार की टांग पर गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायलों को उपचार हेतु निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। बेटी का पेपर सी जी, मैं जलंधर जा रहा सी ते जड़ी सुभानपुर दे अगे वेही है जी, वो पुली बड़ी छोटी उत्ते तीन चार कारां खलोतियां सी, मैं भी लागे ब्रेक मार ली। एक ते पिछों आ रही सी इन्हां दी गड्डियां, पायलट ने क्रॉस करन दी कोशिश कीती, गाड़ियों को गड्डी गुड्डी आ रही सी, उन्हें ब्रेक मारी, मगर उहदे करके बस ने ब्रेक मारी ते बस दे विच जिहड़ी मगर आ रही सी उहदे नाल लगी जी। बचा जी बिल्कुल, अहीं ते साइड ते कंडे ते खड़े जी, असीं कंडे ते साडे गाड़ी कारां ने ब्रेक मारी, अहीं उहनां करके असीं खड़े सी। गलती तो पुली बहुत छोटी सी, मेरे न इन्हों के कोलों ओवरटेक नहीं क्रॉस नहीं होया जी, उन्होंने ब्रेक मारी उहदे करके मगर बस के नाल मगर जिहड़ी जिप्सी लागी नाल जी। सुभानपुर के लागे अमृतसर वालों आने वाली ये कैसे हुआ सर, है जो आप आज एक्सीडेंट हुआ पाकिस्तान की बस, अमृतसर से की ओर से आने वाली दिल्ली लाहौर की बस का सुभानपुर के पास एक माइनर से एक्सीडेंट हो गया, जिसको ठीक करवा के हमने बस को जो है रवाना कर दिया। उनका माइनर सी इंजरी हुई है तो वो हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट। थैंक यू सर।